गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। सुबह का टाइम हो रहा है 8:10। मौसम बहुत प्यारा है आज अमृतसर में, मतलब इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं है, दिल्ली से ज़्यादा ठंड है बट इतना ठंड नहीं है कि आपको दिक्कत हो। और हम लोग अभी है ई रिक्शा में अगर ई रिक्शा लेके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पार्किंग का वैसे है तो अमृतसर गोल्डन टेम्पल में पेड पार्किंग अवेलेबल, बट मैंने सोचा कि कौन भीड़ में गाड़ी चलाएगा, इसलिए ई रिक्शा में बैठ गया। जो ई रिक्शा दिख रहा है आपको, इसी रिक्शा से आगे 100 रुपया लिया और गोल्डन टेम्पल के आसपास ही छोड़ दिया। चलते हैं, देखते हैं उधर फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाने देता है कि नहीं। अगर देता है तो आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं देता है तो सॉरी। और बाकी इस व्लॉग में बने रहिए क्योंकि यहाँ का खाना वाना ये सब चीज़ भी दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह भी करेंगे। हाँ चलो, तो क्या हुआ था अभी सुबह सुबह इतने एनर्जी के साथ, क्या हुआ था? तो कहानी ये हुआ कि अर्चना ने अपना फोन पकड़ाया था शांतनु को कि थोड़ा संभाल के रखो, ये भाई साहब ने फोन ये इलेक्ट्रिक एसी में छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक ऑटो में छोड़ दिया। खैर जो भैया थे जो ड्राइव कर रहे थे ये ऑटो, वो तो अच्छे थे, हम लोगों ने उनको फोन मिलाया तो उन्होंने संभाल के रख लिया था, बट 5-10 मिनट के लिए तो हालत खराब थी। आईफोन गया था, आ जाए iPhone 10 हो गई। चलो अच्छा, आज दिन का शुरुआत बहुत सही हुआ है, आईफोन खो गया फिर मिल भी गया। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा लगा क्योंकि जनरली लोग फोन मिलता है तो देता नहीं है, लोग यहाँ के अच्छे हैं, ऑटो वाले भैया भी बहुत अच्छे थे कि उन्होंने वापस कर दिया हम लोगों को फोन। तो दोस्तों गोल्डन टेम्पल का दर्शन के बाद अभी हम लोग आए कुलचा लैंड। तो अमृतसर आए और कुलचा ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड कुलचा लैंड। इसका रिव्यूज़ मैंने बहुत पढ़ा था यूट्यूब पे और गूगल पे और अच्छा लगा, तो ट्राई करते हैं कुलचा यहाँ का, क्या क्या ले रहे कुलचा वो भी आप लोगों को दिखाते और बताते हैं कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। तो गाइज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया बट फाइनली आ गया है। सो वी हैव ऑर्डर 3 कुलचाज, 3 अलग अलग तरीके के कुलचे मिलते, तीनों कर लिए हम लोगों ने। ये कौन सा पनीर है? ये पनीर है, ये मसाला है और ये अमृतसरी है। अब देखता हूँ खा के आप लोगों को बताता हूँ कैसा लगता है। तो कुलचा हम लोगों ने खा लिया, अच्छा था, मतलब अलग था क्योंकि जो कुलचा हम लोग दिल्ली में खाते हैं वैसा नहीं था, ये थोड़ा डिफरेंट था। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग आते हो अमृतसर तो ये कुलचा लैंड पे कुलचा ट्राई कर सकते हो। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11, तो प्लान अभी ये है कि हम लोग जाएंगे होटल में थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके फिर निकलेंगे वाघा के लिए। वाघा में शाम का जो बीटिंग रिट्रीट है वो देखने का प्लान है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों हम लोग अभी वापस आ गए थे अपना होटल में ही और एक बहुत अच्छा कमबैक मिला है शांतनु की तरफ से, जो आपने ये वीडियो में देखा है कुछ देर पहले, अर्चना जो कह रही थी कि रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बिल्कुल नहीं है क्योंकि बेचारे का पॉकेट से मोबाइल गिर गया था अर्चना का। हाँ जी ज़रा बताओ अपने दर्शकों को, अपने दर्शकों को बताओ तुम्हारा कमबैक क्या है इस कहानी पे। इट्स नॉट अबाउट कमबैक, ये तो लॉजिकल चीज है ना, वाई वाई होता है हर चीज में, एक रीजन होता है कि क्यों हुआ। तो मोबाइल क्यों गिरा, पहला रीजन था कि मोबाइल क्यों गिरा, मोबाइल इसलिए गिरा क्योंकि मेरे स्वेट शर्ट के पॉकेट में था। स्वेट शर्ट के पॉकेट में क्यों था, वाई वाज इट देयर, क्योंकि अर्चना ने मुझे ऑलरेडी 2 मोबाइल दे रखा था पहले से जो मेरे जींस के पॉकेट में था। अच्छा, एक मेरा था तो वो तो ऑब्वियसली मेरे जींस के पॉकेट में रहेगा, तो क्योंकि ऑलरेडी मेरे जींस के पॉकेट में 2 मोबाइल फोन था तो तीसरा मोबाइल फोन तो वही रखूंगा ना मैं, इसलिए वो गिरा। तो भाई भाई तो फाइनली कंक्लूजन, भाई का कंक्लूजन ये है कि क्योंकि अर्चना ने मुझे एक्स्ट्रा फोन दिया रखने के लिए इसलिए मैंने यहाँ रखा और गिर गया। द रीजन इज अर्चना, बिकॉज़ ऑफ व्हिच फोन हमारा अभी खो जाता है। तुम क्या बोल रहे थे, कुछ और बात कर रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि गलती तुम्हारा नहीं है, ये तो फोन गिर ही सकता है पॉकेट से, गलती अर्चना की कि उसने अपना मोबाइल क्यों रखने दिया तुमको। और गलती श्लोक का भी है,
क्योंकि अर्चना ने जो मोबाइल मुझे रखने दिया वो श्लोक का मोबाइल था। चलो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों को मिलते हैं एक और वीडियो में जिसपे हम लोग जाएंगे अटारी वाघा बॉर्डर शाम का बीटिंग रिट्रीट देखने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और है भाई भाई। अच्छा एक और क्या है? एक और भाई भाई है कि द मेन एंड द फाइनल कल्प्रिट इज कंकन। ये एडिट हो जाएगा भाई कंकन, बिकॉज हम लोग को जाना था गाड़ी से, लास्ट मोमेंट में बोलता ऑटो से चलेंगे मजा लेंगे तो क्योंकि ये ऑटो में बैठा है इसलिए ऑटो में गाड़ी गिरा, मोबाइल गिरा। अच्छा, मतलब मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारा कोई गलती नहीं है इसमें, ये अर्चना और नहीं तो मेरा, हम दोनों का गलती है और नहीं तो श्लोक। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, नाइस। आप लोग भी ये सीख लो दर्शकों, अगर आप लोगों का हस्बैंड वाइफ में ऐसा कोई झगड़ा होता है, वाइफ अगर स्पेशली फॉर हस्बैंड्स ये मैसेज, अगर आपका वाइफ आपको किसी भी चीज़ के लिए ताना मारती है या बोलती है कि ये तुम्हारे गलती की वजह से हुआ है, तो आप ये वाई वाई का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।